हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज आप लोग देखने वाले हैं एक अमेजिंग ट्रिक। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर बनाइए, जो हम 10 सिस्टम पे अगर चलाना है मुझे, या 5 सिस्टम पे चलाना है, 2 सिस्टम पे चलाना है, तो हम किस तरह से एप्लीकेशन बनाएं तो काम करेगा। तो मैंने बहुत इस पर काम किया, बहुत दिनों तक मैंने इस पर काम किया है, तब जाके आज मैं आप लोगों के सामने फाइनल लाया हूँ। और फाइनल नहीं है ये पार्ट, फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो, इस सीरीज का। और इसमें जो है आप देखेंगे क्या क्या एबिलिटी मैंने दिया है कि आप इसमें डाटा न्यू, सेव, अपडेट, डिलीट, सर्च, कैंसिल और सारा लिस्ट बॉक्स, एक डाटा एंट्री की तरह जैसे मैं अपने एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन में बनाता हूँ उसी तरह हमने बनाया है। बट आप यहाँ पर देखेंगे कोई डाटा इस शीट में नहीं है, यानी एक्सेल में कोई डाटा है ही नहीं। अब आप पूछोगे कि जब एक्सेल में डाटा नहीं है तो डाटा आपने रखा कहाँ है, किसी दूसरे एक्सेल फाइल में रखा होगा? नहीं, मैंने एक्सेल फाइल में डाटा को रखा ही नहीं है। मैंने जो डाटा को रखा है, क्योंकि देखो आपको क्या बनाना है, मुझे मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर बनाना था। मुझे अगर डाटा एंट्री सिंपल करना है, एक लोगों को डाटा एंट्री करना है, तो एक्सेल में आप बना सकते हो। लेकिन जब आप मल्टी यूजर की बात करते हो तो ये फैसिलिटी एक्सेल बहुत कम, यानी जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट, मान लो कि एक पर्सन, उसका नाम ए है, दूसरा पर्सन जो है उसका नाम बी है। अगर संजोग से ए और बी दोनों ने एक साथ डाटा एंट्री करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, डाटा ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा एक्सेल में। तो इसी के लिए मैंने इसके जितने डाटा हैं सबको एक्सेस में रखा है। और आप देखोगे ये जो डाटा मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, वो एक्सेस से डाटा कॉल होके हमारे एक्सेल में आ रहा है। हम इसमें और भी, अभी सारी फैसिलिटी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो इसमें मैंने जस्ट केवल आपको डिजाइन बनाना बताया है और कुछ कोड मैंने बताए हैं। और आपको फ्यूचर में मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप अगर किसी एक का प्रिंट लेना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, जितने अगर मल्टीपल सेलेक्ट का मैंने ऑप्शन दिया है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट करके भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, या किसी भी फाइल में, किसी भी टेक्स्ट में करना हो, या एक्सेल में करना हो, या वर्ड में करना हो, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जितना आपने सेलेक्ट किया है उतने ही को आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक अमेजिंग ट्रिक होगा, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक जरूर क्लिक कर देना, और अगर कुछ बोलने का मन हो, कुछ कहने का मन हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आपको दिखाई दे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैंक शीट से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल शीट हमने खोल लिया है, पहले तो इसे हम सेव कर लेते हैं। तो सेव, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब फाइल को हम सेव करते हैं तो हम एक्सेल एस एम एक्सटेंशन में डालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल एस एम में इसे सेव करेंगे और इसका नाम रख देते हैं मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। फाइन, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे वीवीए में। तो वीवीए में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे डेवलपर टैब होगा, डेवलपर टैब पे क्लिक करके आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो भी आप जा सकते हैं विजुअल बेसिक में, या Alt प्लस F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तब पर भी आप जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे डेवलपर टैब आपको नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ फाइल मेनू में जाके, यहाँ मोर दिख रहा होगा या ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे जाना है। देन आपको यहाँ पे डेवलपर टैब दिखेगा, उसको चेक कर देना है। उसके बाद जब ओके करेंगे तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट की से चलते हैं वीवीए में। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे और सबसे पहले इसका हम डिजाइन करेंगे। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और देख लेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, थोड़ा सा अच्छा लगे, इस तरह का कलर देते हैं कि जो देखने में थोड़ा अच्छा सा लगे। ये फिर इसमें एक टेक्स्ट को हम फिल करते हैं। तो पहले तो इसे जो है इधर ले आए और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड, इसका नाम कर देते हैं मल्टी
यूजर शॉप, इसके फॉन्ट्स वगैरह को हम सही कर लेते हैं या एक काम करते हैं पहले इसे जो है पहले सेट कर लेते हैं कि दूसरे में भी ये काम हो, और इसे कॉपी करके इसका फॉन्ट वगैरह पहले चेंज कर, इसका फॉन्ट कर देते हैं ER और फॉन्ट साइज 10 रहने देंगे। अब इसके कॉपी करके एक ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने किया, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक इसका हेडर बनाएंगे, तो हेडर का फॉन्ट साइज थोड़ा हम बड़ा कर देंगे बोल्ड करके, इसे हम 26 कर। अब हम यहाँ पे इसका जो नाम रखेंगे, नाम क्या क्या बनाना है, पहले तो हम कर देंगे कि नेम आईडी हो यहाँ पे, तो इसका नाम कर देंगे नेम आईडी, और इसका अलाइनमेंट हम राइट रखेंगे, राइट अलाइनमेंट में सबको, और इसका जो बॉर्डर है हम उसे व्हाइट कर देंगे, बॉर्डर को हम यहाँ से व्हाइट कर देते हैं, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर स्टाइल जो है सिंगल कर देंगे, फाइन, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। देन जब ये यहाँ हो जाए तो इसे सेट कर देते हैं, और अब लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स का भी जो बॉर्डर कलर है वो हम बॉर्डर स्टाइल पहले तो लाइन कर देते हैं, बाकी सब सेम रहने देंगे, और इसको क्या करेंगे इसके बराबर में इसे थोड़ा साइड में कर, एक बराबर कर देते। अब इसका भी बॉर्डर जो है बॉर्डर स्टाइल जो है हम सिंगल कर देते हैं, और बॉर्डर कलर जो है वो भी हमारा व्हाइट ही रहेगा, ये मेरा थोड़ा छोटा रहेगा। इसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स 1 ही रखें। फिर उसके बाद यहाँ पे चलेंगे और इसे यहाँ रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देते, हो गया। अब इसके बाद नेम के बाद हमें डालना है कि एड्रेस, तो एड्रेस हम क्या करेंगे इसी को कॉपी करेंगे। एक चीज हम गलती कर रहे हैं, इसका फॉन्ट साइज भी सेम ही रखना चाहिए हमें, तो इसका फॉन्ट नाम और फॉन्ट साइज सब सेम रखते हैं, क्योंकि ये बार बार फिर मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। हम इसे कॉपी, और एक चीज और करते हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना इसका भी कलर व्हाइट ही कर देते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो वो एक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए कि क्या है कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा दिख। अब इसे हम यहाँ पे रख देंगे एड्रेस, और इसको कर देते हैं एड्रेस, और इससे हम बड़ा कर दें, एड्रेस थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। एड्रेस के बाद क्या देना चाहिए मुझे, एड्रेस के बाद हमें सिटी देना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं इसे कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं इनफ है इतना तक, इस दोनों को देखते हैं सेट करके, इसके बगल में एक और आ जाएगा इतना बड़ा इसे, और एक बड़ा सा ये वाला कॉपी कर लेते हैं इसी को, और इसको करके यहाँ डाल देंगे नोट्स, कि अगर कोई रिमार्क्स वगैरह हो नोट्स हो, और इसका नाम जो है ना चेंज करते हैं, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर तो है ही लेकिन है किस चीज़ का सॉफ्टवेयर, तो कॉन्टैक्ट मैनेजर मल्टी कॉन्टैक्ट मैनेजर कर देते हैं यहाँ, और इसे कर देंगे हम थोड़ा नीचे, और इसी को कॉपी करके एक नीचे और लिख देते हैं यहाँ मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे फॉन्ट साइज 18 कर देते हैं, और इसे सेंटर कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टी यूजर सॉफ्ट। अब इसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर दीजिए, हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं और ओके कर देंगे। अब हमारा यहाँ तक तो डाटाबेस बन गया, अब हमें साथ में क्या बनाना है, बटन बनाना है, तो चलिए बटन क्या क्या बनाना है वो हम बता देते हैं। अब हम बटन एक लेते हैं कमांड बटन यहाँ से, और सॉरी ये क्या ले लिया, यहाँ है कमांड बटन, मेरा माउस भी जो है ना ढंग से काम नहीं करता है, इसको कर देते हैं न्यू बटन, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम न्यू, और इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी सेम रखेंगे, सब कुछ जब एक जैसा रख रहे हैं तो हमें फॉन्ट भी सेम ही रखना चाहिए, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है बैक स्टाइल ये ट्रांसपेरेंट इसे भी रखेंगे कि थोड़ा, या इसको अगर कलरफुल अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा कलरफुल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। अब दूसरा करते हैं हम यहाँ इसी के बगल में सेव का, इसको कर देते हैं, फिर इसको दोनों को कॉपी करके इसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं एक बना देते हैं अपडेट के लिए कि हमें अपडेट करना है, और दूसरा रहेगा कैंसिल का, फाइन। उसके बाद इसे कॉपी करेंगे फिर, और यहाँ पे हम देंगे सर्च का एक देना होगा, सर्च भी करना होगा मुझे, तो हम सर्च का एक बटन बना लेंगे, और इसको कर लेंगे डिलीट बटन, अगर डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का बटन यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, फाइन। तो हमारे ये बटन सारे बन गए। अब साथ में यहाँ पर हम एक लिस्ट बॉक्स लेंगे जिसमें कि हमारे डाटा जो है वो आता रहे, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं, फाइन। और इसमें हम कितने कॉलम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फील्ड हो गए, तो हम कॉलम काउंट जो है हम यहाँ पे 8 कर देंगे, इसका कॉलम हेड्स जो है वो
प्रूव कर देंगे। और कॉलम विड्थ आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाना है तो वो कॉलम विड्थ कहाँ से, यहाँ से हम चेंज करते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। या डायनामिक अगर आप चाहते हो कि ऑटो फिट हो जाए तो फिर वो आप मर्ज कर सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। और इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह जो है हम सेम ही रखेंगे, इसका फॉन्ट भी यही रखेंगे और फॉन्ट साइज भी हम 10 ही रखेंगे। फाइन, अगर आप मैनुअली कुछ चाहते हो कि इसका नाम एड्रेस जो है ना एटलीस्ट बड़ा हो, तो आप इसके कॉलम विड्थ में जाइए, सीरियल नंबर को कर दीजिए 40, कॉमा नाम को कर दीजिए 150 और एड्रेस को कर दीजिए 200। बाकी सब ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट रहेगा। जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है इसलिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, जब इसमें डाटा जब आ जाएगा तब यहाँ पे दिखना शुरू होगा। ओके, इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है कि सेटिंग का बटन हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज लेंगे, इसे हम छोटा सा इमेज यहाँ ले लेते हैं और इसको जो है इस कॉर्नर पे डाल देंगे। और थोड़ा नीचे आ जाओ, ये नीचे नहीं आ रहा है तो यहीं से इसको नीचे करते हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है माउस मेरा। टॉप, अब यहाँ पे ये जब हमारा बन जाएगा तो इसमें इमेज हमें डालना होगा, तो हम इमेज यहाँ से लेंगे, इमेज में जाएंगे, हमने देंगे आ जाएगा। और इसका जो क्लिप मोड है, पिक्चर साइज मोड है, उसको स्ट्रेच कर देंगे कि ये पूरा दिखे। फाइन, तो अब आपके जो हैं सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से यहाँ तो तैयार हो गए। अब क्योंकि इसमें कुछ कोड लिखने हैं, तो कोड लिखने से पहले हमें करना क्या होगा कि हम आपको बता दें कि इसका जो हम डाटा रख रहे हैं वो एक्सेस में रख रहे हैं, तो ये जो जो फील्ड यहाँ है वही फील्ड आपको एक्सेस में भी बनाना होगा। तो चलिए एक्सेस में हम एक फील्ड बना रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेल में तो रखना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सेस में, मैं एक्सेस में डाटा को क्यों रख रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है, पहले हम डाटा को सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक सेकेंड इसे क्लोज करता हूँ, फिर से न्यू करता हूँ, पहले बना लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको एक ही फोल्डर में रखेंगे जिससे कि काम करने में आसानी हो। इसका नाम कर देंगे मल्टी यूजर और ओके कर देते हैं। अब क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि डाटाबेस जो है, हम जो डाटाबेस देखेंगे एक्सेल में, हम कोई डाटा नहीं रख रहे हैं, यहाँ इस वाले एक्सेल में हम कोई भी डाटा नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे केवल सीट 1 रहेगा, वो भी पूरा ब्लैंक रहेगा, किसी यूजर को वो डाटा नहीं दिखेगा। डाटा कहाँ है, तो मेरा एक्सेस में डाटा रखा हुआ रहेगा और यहीं से हम डाटा को फेच करेंगे, यहीं पे डाटा सेव करेंगे, आपका लिस्ट बॉक्स भी अपडेट होगा यहीं से। एवरीथिंग जो हम एक्सेल में करते हैं वो काम एक्सेस से करेंगे। और एक्सेस में करने का रीजन क्या है कि एक्सेल में क्या है ना कि मान लो, सपोज दैट, मान लो कि आप एक जगह से आप एंट्री कर रहे हो और एक जगह से मैं एंट्री कर रहा हूँ, कोइंसिडेंटली अगर हमने क्या किया कि आपने भी सेव पे क्लिक किया और मैंने भी सेव पे क्लिक किया एक टाइम पे, यानी एकदम थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है टाइम में, तो उसमें होगा क्या कि एक्सेल में क्या करेगा, नया रो में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट रो निकालते हैं। तो ये जब क्लिक करेगा तो उसका भी लास्ट रो कौन सा निकलेगा, मान लीजिए कि लास्ट रो अगर 10 नंबर लास्ट रो है, सपोज दैट, मान लो मैं एक्सेल में चलता हूं, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक नंबर रो है, ये अभी ब्लैंक है, पहला इसमें एंट्री होना है। अगर दो आदमी एक साथ एंट्री करेगा तो एक्सेल में जो कोड है लास्ट रो, नया रो फाइंड करने का, वो क्या बताएगा, यानी पर्सन ए को भी बजाय बताएगा कि 1 नंबर रो खाली है और पर्सन बी को भी बताएगा कि 1 नंबर रो खाली है। और क्या होगा कि एक ही पे दोनों लोग सेव कर देंगे डाटा, तो क्या होगा, किसी एक का डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा। बट ये फैसिलिटी आपका एक्सेस देता है कि आप इसमें मल्टी यूजर टास्किंग कर सकते हो। ये क्या करता है, इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, कि जब एक लोगों का दो जगह से आता है तो पहले एक का रीड करता है फिर दूसरे का रीड करता है, इस तरह एक्सेस काम करता है, एक्सेस का जो कनेक्शन होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि मल्टी यूजर जो भी बनता है सॉफ्टवेयर तो उसका एक डाटाबेस अलग होता है। फाइन, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसका डाटाबेस बनाएंगे और इसका नाम कर देते हैं कॉन्टेक्ट, पहले इसे क्लोज करके इसका नाम चेंज कर देते हैं, सॉरी क्रिएट और टेबल करेंगे और इसको डिजाइन मोड में कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं कॉन्टैक्ट डीबी। फाइन, अब देखिए पहला जो आईडी है इसको हम नेम आईडी बनाएंगे, हम इसी को मानेंगे कि मेरा नेम आईडी है, हम यहाँ पे नेम आईडी कर दिए। उसके बाद हमारा क्या था, नेम था, तो नेम में क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है। एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टेक्स्ट हो जाएगा।
उसके बाद सिटी है तो ये हमारा शॉर्ट रहेगा, सिटी के बाद स्टेट है तो ये भी हमारा शॉर्ट रहेगा। स्टेट के बाद क्या है देख लेते हैं, स्टेट के बाद है हमारा कॉन्टैक्ट, ईमेल और नोट्स, उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉन्टैक्ट, ये भी शॉर्ट रहेगा, ईमेल जो है शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा, और जो हमारा नोट्स है ये जो है हम लॉन्ग रखेंगे इसको, जिसमें कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है एक्सेस में, शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब कि उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर आप 255 ही लिख सकते हैं, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आप उस ब्लॉक में, उस डाटा में जो आप यहाँ पे रन कर रहे हो, यस कर दो आप, जैसे ये सब 255 का है तो इसमें 255 कैरेक्टर से ज़्यादा लोगे तो नहीं सेव करेगा ये। और एड्रेस लॉन्ग हमने इसलिए डाला है कि इसमें चाहे जितना लंबा आप डाटा डालिए ये सेव कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये डाटाबेस बन गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसे हम यहीं पे बंद कर देंगे, अब जो काम करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला कोड हम कहाँ लिखेंगे, पहले चलिए सबका नामकरण कर लें, इस बटन का नाम कर देते हैं सेटिंग बटन, इसका नाम कर देते हैं न्यू बटन, ये हमारा हो जाएगा सेव बटन, ये अपडेट बटन, सबका नाम देना है तो हम नाम दे देते हैं, इसका कर देते हैं कैंसिल बटन, सर्च बटन, और ये हमारा जो है डिलीट बटन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम एक्सेल में हमेशा काम करते हैं उसी तरह इसमें भी काम किए हैं, इसका नाम अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 3 है तो 4 है, 5 है, 6 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। और इसी सिस्टम, इसी क्रम से मैंने एक्सेस में भी डाटाबेस बनाया है, जैसे हम एक्सेल में उसी क्रम में बनाते थे उसी तरह एक्सेस में भी उसी क्रम से हम बनाए हैं, वो इसलिए हम बनाए हैं जिससे क्या होगा कि कोडिंग आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस पे हम चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं और इसको कर देंगे क्लिक, बाकी सब हटा के जस्ट क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली क्या है ना, इसको यहाँ पे करते हैं एक काम, हम कर देते हैं फाइल पाथ, एक चीज इसमें रहेगा कि फाइल पाथ आपको दिखाना होगा, तो आप इसको थोड़ा क्या कीजिए कलरफुल कर दीजिए और इसको हम लॉक कर देंगे जिससे कि कोई इस फाइल को नहीं देख पाएगा, यानी हाइड करके इसे लॉक कर देंगे, फाइन। अब यह फाइल पाथ है ना B2 में रखेंगे, तो हम इस कोड में जाएंगे, यानी जो आपका एक्सेस का डाटाबेस है उसका लोकेशन हम यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोड को रन करेंगे तो इसी को बेस बनाएगा और वो वहाँ फाइल में कनेक्शन बनाएगा आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि माई फाइल और एक लाइन का कोड है डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, यहाँ पे कीजिए अप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, फाइन, और इसको क्लोज कर दी। आप MS डायलॉग का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम एकदम सिंपल एक लाइन का कोड से कर रहे हैं, जैसे ही आप ये रन करोगे ना तो आप देखो यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो यही काम करता है, ये जो कोड है यही काम करता है कि डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। उसके बाद एक देना होगा कि अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो ना कुछ भी तो वो फॉल्स हो जाता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इफ माई फाइल नॉट इक्वल टू फॉल्स देन सीट 1.रेंज B2 इक्वल टू माई फाइल, दैट्स इट। आप जैसे ही इस पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करोगे आप, और हम चलिए ये मल्टी यूजर के नाम से मैंने सेव किया है, इसको ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो फाइल का नाम आ गया, लेकिन ये B2 में आ गया जबकि हमको B1 में चाहिए था, हमने गलती कर दिया है यहाँ पे, इसको B1 करना था, फाइन। अब यहाँ से इसे हटा दीजिए और दोबारा से कर लेते हैं कि अब सही जा रहा है कि नहीं जाएगा ही, अब सही जाने का सवाल, यानी नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, अब तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारा पाथ यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम चलते हैं न्यू बटन पे, कि न्यू बटन पे करें तो क्या है, तो अब यहाँ पे सारा खेल आता है आपके कनेक्शन का, फाइन। तो यहाँ न्यू पे चलेंगे, पहले ये एक्स्ट्रा चीज़ हटा देते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा कि मैं, आप हमेशा देखे होंगे कि मैं अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिफाइन नहीं करता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होता है हम एक्सेस वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, तो वेरिएबल डिफाइन हम नहीं करते हैं और हमको अलाउ करता है एक्सेल, इसलिए कि यहाँ पर ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं लिखा रहता है, ये कुछ मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे टूल में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एडिटर में ये है ना रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे ओके कर दिए तो आप जैसे ही कोई मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे ना
कोई भी मॉड्यूल या यूजर फॉर्म, तो देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ आ गया। तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो ये रन नहीं करेगा। अब क्यों नहीं रन करेगा वो भी हम बता देते हैं आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एरर आता है और समझ में मुझे भी नहीं आता, क्योंकि कोड सही होता है और उनका काम नहीं कर रहा होता है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एरर आएगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख दिया तो कंप्यूटर को आपको हर चीज़ बताना होगा, जो भी एक्स्ट्रा कोड आप लिखेंगे, जो कोई भी नाम आप डालेंगे, आप बताना होगा कि माई फाइल क्या है। तो यहाँ पर फिर आपको बताना होगा कि डीम माई फाइल एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो लोकेशन पाथ होता है वो स्ट्रिंग ही होता है, इसीलिए हमने ये डाला है। अब इसे हम रन करेंगे तो हमारा ये रन कर जाएगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं देते हैं कि एडिशनल जो है बहुत सारे कोड जो है लिखना पड़ जाता है जिसका कोई यूज नहीं है। यानी मैं समझता हूँ, मुझे लगता है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्यों है, जब आप बहुत लंबा लंबा कोड लिख रहे हो और वहाँ पे अगर एक भी मिस्टेक हो गया ना, मान लीजिए माई फाइल का आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे बाई मिस्टेक से आपने माई फाइल के जगह पे आई इसमें से मिस कर दिया, तो क्या होगा, आपको ऐसे पढ़ने में लगेगा माई फाइल लिखा हुआ है। आप रन करेंगे, काम करेगा, लेकिन डाटा आपका यहाँ पे, सपोज दैट मान लो कि ये डाटा मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, देखिएगा ये डाटा यहाँ सेव ही नहीं करेगा। एरर तो नहीं आया लेकिन यहाँ डाटा सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सेव, वो इसलिए नहीं सेव हुआ कि यहाँ पर जो हमने गलती की है, रेंज वन बी वन में जो फाइल जाना चाहिए वो यहाँ पे, इसका कोई वेरिएबल ही नहीं है रिस्टोर, इसीलिए एरर आ रहा है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर यहाँ पे लिखा रहता तो ये तुरंत पकड़ लेता कि आपने यहाँ पे गलत डाला है। तो इसीलिए हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज करते हैं कि जो अगर पहली बार काम कर रहे हो, जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट देना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है ना कि आप कहीं गलती करते हो तो आपको पकड़ में तुरंत आ जाएगा कि आपने क्या स्पेलिंग कहीं गलती मिस्टेक तो नहीं किया है, या कुछ कहीं पे कुछ कोड में लिखने में कोई गलती तो नहीं की है। फाइन, लेकिन हम चलिए हम बिना इसके ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बिना उसी के करते आए हैं, बिना ऑप्शन एक्सप्लिसिट डाले ही। तो अब हम चलते हैं इसके न्यू बटन में। तो न्यू बटन में क्या क्या देना होगा, देखिए न्यू बटन में हमारा आइडिया क्या है कि ये डाटाबेस को देखे, डाटाबेस में जाए और देखे कि उसमें जो सबसे लेटेस्ट नंबर है वो कितना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज करेंगे कि जब न्यू पे क्लिक करे तो ये हमें श्योर कर ले हमारा जो फाइल पाथ है यहाँ पे ये ब्लैंक न रहे। क्यों न रहे ब्लैंक, क्योंकि अभी हमने आपको क्या कहा कि हम न्यू आईडी जो है हम कैसे लेंगे डाटाबेस को ओपन करने के लिए, और डाटाबेस ओपन करने के लिए यहाँ पे उसका फाइल का पाथ होना जरूरी है। फाइन, तो फाइल का पाथ नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ सकता है रन होने में। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे इफ सीट वन डॉट रेंज बी वन इक्वल टू एम्प्टी। फाइन, देन क्या बोले, ये मैसेज बॉक्स है, अगर वो खाली होता है तो मैसेज बॉक्स है कि प्लीज सेलेक्ट सॉफ्टवेयर या स्टोर डाटा, प्लीज सेलेक्ट डाटाबेस, और यहाँ से एग्जिट सब हो जाए और ये इंडिफ हो जाए। ठीक है, या यहाँ पे कीजिए इसको इक्वल टू ना करते, नॉट इक्वल टू कर दीजिए, यानी अगर खाली नहीं हो तो फाइल पाथ इक्वल टू सीट वन डॉट रेंज बी वन डॉट वैल्यू, यहाँ पे कर देते हैं इस मैसेज बॉक्स इंडिफ। अब इससे क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए इसे आप रन करो, जैसे ही आप रन करोगे तो कहेगा प्लीज सेलेक्ट डाटाबेस, और सेलेक्ट डाटाबेस कैसे होगा, यहाँ हमको क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जब एक चीज़ तो हो गया कि चलो सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट करने के बाद हमें अब बनाना होगा कनेक्शन। तो कनेक्शन आप यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं जिससे कि पता चलेगा, चेकिंग द फाइल पाथ इज अवेलेबल और नॉट, और यहाँ पे आप करेंगे मेक कनेक्शन बिटवीन एक्सेस एंड एक्सेल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेट यानी कनेक्शन बनाने के लिए उसको बताना होगा कि कहाँ कनेक्शन करना है, किसके साथ कनेक्शन आपको करना है। कहेंगे सेट माई कनेक्शन इक्वल टू न्यू ए डी ओ डी बी डॉट कनेक्शन।
फाइन, इसमें एक काम कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना adodb.connection, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको दिखा नहीं, वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अगर हम वेरिएबल पहले डिफाइन किए रहते हैं ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाता है मेरे पास। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो डीम माई कनेक्शन एज ए न्यू adodb.connection, फाइन। उसके बाद दोबारा करेंगे डीम rst एज ए adodb.recordset, इसको कैपिटल लिखता हूँ, आ क्यों नहीं रहा है, आ जाना चाहिए। ओके, अब आ गया, फाइन, यहाँ भी ऑटोमेटिक अब ये। उसके बाद करेंगे सेट rst इक्वल टू न्यू adodb.recordset, फाइन। तो ये सब चीज़ें एक बार बनाने की चीज़ है, बाकी आपको बताएंगे कितने आसानी से आप बार बार बना सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखेंगे विथ माई कनेक्शन, और यहाँ पे एंड विथ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा क्या होगा? हमारा प्रोवाइडर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ACE.OLEDV.12.0। ये डिफर कर सकता है आपके वर्सन के ऊपर, जो वर्सन होगा उसके हिसाब से आपको ये देखना होगा। डॉट ओपन इक्वल टू फाइल पाथ, जो हम यहाँ पे फाइल पाथ बना रहे हैं इसको ओपन करेंगे। अब ये हमारा ये हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे करेंगे हम rst.open, और कौन सा फाइल ओपन करना है? हमारा जो डाटा है, डाटा में हमने कौन सा नाम दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, हम अपने जो डाटाबेस बनाए हैं उस डाटाबेस का टेबल का नाम क्या है? contactdb, ठीक है। तो ये contactdb को आप कॉपी यहाँ से कर लीजिए और यहाँ पे इसको डाल दीजिए, फाइन। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, कॉमा माई कनेक्शन, जो हम यहाँ पे कनेक्शन बनाए हैं वो कनेक्शन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एड ओपन डायनामिक कॉमा एड लॉक ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद सिंपल सा करेंगे कि rst move.move last, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, इसे एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब आना चाहिए। तो ये सब ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, एक बार रन करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूजर डिफाइंड टाइप ऑफ, यूजर डिफाइंड टाइप ही नहीं है। ओके, इसका मतलब रेफरेंस में हमें चेक करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी इनेबल हो, साथ में आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपका इनेबल होना चाहिए जब आप कनेक्शन बना रहे हो दूसरे के लिए। ये अगर यहाँ पे नहीं दिखे, क्योंकि मैंने टिक कर रखा है, तो यहाँ पे है, नहीं तो नीचे होता है, आप एम करके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट 6.1 करके आएगा, उसको आपको चेक करना है, या 2.0 भी आप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डाटा 2.0, आपके पास जो भी लेटेस्ट हो उसको आप इनेबल कर लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इनेबल जो लेटेस्ट है वो एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट 6.1 लाइब्रेरी है, तो मैं इसको रन करता हूँ। अब इसमें क्या होगा ना कि अब जैसे यहाँ पे ये सब चीज़ लिख रहा था, मैं इसको क्लोज करता हूँ, कॉमा करके, जैसे देखें ये ऑटोमेटिक आ गया, वो नहीं आ रहा था, फिर आप कॉमा करेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, ये दो चीज़ें हैं जो खासकर चलता है कनेक्शन बनाने में। ये जो हमने आपको बताया था कि एक्सेस में क्या होता है कि दो जगह पे, अगर सपोज दैट मान लो कि दो लोग एक साथ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही काम करता है, एड लॉग ऑप्टिमिस्टिक जो है ना वो रीड करता है फिर उसको एंट्री करता है, तो यही काम इसका ये होता है एड लॉग ऑप्टिमिस्टिक का, ठीक है। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे करेंगे rst move, अब देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे rst.move तो ये भी आ रहा है, move last पे जाएगा सबसे पहले, और जब move last पे जाएगा तो हमको क्या देखना है, यानी सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक्सेस डाटाबेस है हमारा, इस एक्सेस डाटाबेस में ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कोड move last का जो कोड है वो यहाँ इस टेबल में जाएगा और इसका सबसे लास्ट वैल्यू है वहाँ चेक करेगा कि
लास्ट वाला रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा वो। जब लास्ट वाला रिकॉर्ड को चेक कर लेगा तो इसका जो नेम आईडी है वो हम निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट जो है रिकॉर्ड वो कौन सा है। तो फिर हम यहाँ पे करेंगे, चलिए मैं चेक करके बताता हूँ, माई वैल्यू इज इक्वल टू आर एस टी डॉट फील्ड जीरो। अब इसको एक बार रन करते हैं हम। चलिए ये फ्लिक्स सेलेक्ट डाटाबेस पहले कर रहा है, इसको हम थोड़ा आगे भगा देते हैं। नहीं वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसे आप क्लोज कीजिए, सबसे पहले फाइल पाथ इसे दे दीजिए। तो हम इसे फाइल पाथ एक दे देते हैं, मल्टी यूजर ये हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। अब डेबुक कहाँ आया है, यहाँ पे ये गड़बड़ी दे रहा है, क्यों प्रोवाइडर सही आ रहा है। यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने माइक कनेक्शन को डिफाइन किया है, सेट किया है एडोब कनेक्शन में, और मैं यहाँ पे माइक कनेक्शन दे रहा था। अब चलिए अब इसको अगर रन करते हैं, चलिए रिसेट हो गया, इसे दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर रन किया और देखते हैं आप कहाँ इरर आया। एक जगह और आएगा इरर, ये देखिए यहाँ क्या इरर आ रहा है कि आइदर बी ओ एफ और ई ओ एफ यानी बिगनिंग ऑफ द फाइल और एंड ऑफ द फाइल इज ट्रू और द करेंट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, या आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है इसीलिए यहाँ पे इरर आ रहा है। वो इरर क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी इस वाले डाटाबेस में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसमें लास्ट डाटा ये जाएगा कहाँ, तो इसीलिए इरर आ रहा है। तो चलिए इस इरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन इरर गो टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर चले जाएंगे, सॉरी गो टू को साथ में करेंगे और गो टू करेंगे नो डाटा, और यहाँ पे एक नो डाटा का नोट दे देंगे इसे। ये क्या होगा कि जैसे ही इरर होगा ना तो ये इसको छोड़ देगा, ये कोई काम नहीं करेगा और डायरेक्ट यहाँ चला आएगा। ओके उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें वन आ जाए, तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन इज इक्वल टू आर एस टी डॉट फील्ड जीरो। यानी अगर इरर नहीं रहा तब, यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहेगा तब ये यहाँ आएगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ आएगा और करेगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन इज इक्वल टू वन। अगर कोई डाटा नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स वन में डिफॉल्ट एक डाल दो, ये हम इरर यहाँ पे डाल देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये इरर आया था, अभी जैसे हम एफेक्ट प्रेस करेंगे ये यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे इसे इरर मिला ये यहाँ आ गया, और इस पर आप क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए एक यहाँ पे आ गया, फाइन। अब क्या है कि जब न्यू हो साथ में यहाँ पे अगर कोई चीज़ हो तो वो क्लियर हो जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल ही सा कोड है, वो ऑलरेडी हम आप लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे फोर क्लियर फील्ड इज इक्वल टू वन टू एट, आठ फील्ड था टोटल, तो नेक्स्ट क्लियर फील्ड, और यहाँ पे क्या करेंगे मी एंड टेक्स्ट बॉक्स को लिखेंगे हम डबल कोट में एंड क्लियर फील्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, दैट्स इट। आपका ये न्यू का काम यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे न्यू, आपके डाटा यहाँ पे, ओह सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, गलती कर दिया। गलती क्या किया, गलती ये किया कि जो क्लियर मैं कर रहा हूँ वो एक से कर रहा हूँ। अरे भाई एक में तो मैंने नंबर वन डाला, तो फिर क्यों क्लियर कर रहे हो, फाइन। तो इसलिए ये दो से क्लियर करना चाहिए इसे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दो से क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्लियर ऑल फील्ड एक्सेप्ट नेम आईडी, फाइन। तो ये न्यू के लिए ये कनेक्शन बन गया। अब एक बार न्यू के लिए कनेक्शन बन गया तो अब इसके लिए आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना है केवल, बस और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको कोड जो है यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे किसी और चीज़ों के काम के लिए। तो आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग बोर हों। पहले ये कनेक्शन बनाना अगर आप लोग जान गए तो बहुत आसानी से अगला वीडियो आप मेरा समझ पाएंगे, जब आप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए अच्छा है और आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बगल में एक बेल का घंटा होगा उसको आप क्लिक कर देना और उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, फाइन। चलिए इसी के साथ धन्यवाद और
मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।